हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक और ऐसी नई साउथ इंडियन मूवी की बात करने वाले हैं जो हिंदी डब में अब टेलीविजन पर यूट्यूब पे प्रीमियर होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि वो नई अपकमिंग साउथ इंडियन मूवी कौन सी है जो टेलीविजन पर यूट्यूब पे प्रीमियर होने वाली है। तो उस मूवी का नाम है आयरा। आयरा 2019 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि आयरा के नाम से रिलीज किया जा रहा है। ये एक हॉरर ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है KM सरजून ने। मूवी के लीड रोल में थे नयनतारा, कलैया रासन और योगी बाबू। सपोर्टिंग कास्ट में थे जयप्रकाश, मीरा कृष्णन, गोकुलनाथ, विनोद सागर और नीतीश वीरा। मूवी का म्यूजिक दिया था KS सुंदरमूर्ति ने। आयरा मूवी को तमिल लैंग्वेज में 28 मार्च 2019 को रिलीज किया गया था जिसको IMDb में 4.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी बिलो एवरेज साबित हुई थी जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने और उन्होंने इस मूवी की हिंदी डबिंग पूरी तरह कंप्लीट कर दी है। और ये मूवी जल्दी आपको टेलीविजन पे 24 अगस्त के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल पे आयरा के नाम से हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये मूवी टेलीविजन पे 24 अगस्त के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल पे आयरा के नाम से हिंदी डब में प्रीमियर होने वाली है। प्रीमियर के कुछ ही समय बाद यानी कि लगभग 11 बजे के आसपास ये मूवी शायद आपको गोलमाइंस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतनी अपडेट थी कि आयरा जो 2019 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसका हिंदी डब वर्जन अब आ रहा है, जिसको हिंदी डब करवाए गोलमाइंस टेलीफिल्म्स और ये मूवी जल्दी आपको 24 अगस्त के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। तो बस ऐसी साउथ इंडियन मूवीज की अपडेट के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज की न्यूज के लिए, सभी प्रकार के साउथ इंडियन मूवीज के टेलीविजन प्रीमियर, यूट्यूब प्रीमियर के रिगार्डिंग कंफर्म और ऑफिशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।